हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं एनएमसी की तरफ से, एमसीसी की तरफ से ऑफिशियल नीट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी एमबीबीएस बीडीएस जैसे कोर्सेज़ के लिए। अभी बारी आती है दोस्तों आयुष कोर्सेज़ का क्या है उसी के रिलेटेड हम वीडियो बनाने वाले हैं दोस्तों आपके लिए। ये वीडियो उसी के रिलेटेड होने वाली है दोस्तों, तो वीडियो पूरा देखिए जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो, जिससे कि कारण आपको आने वाली सारी वीडियो के बारे में पता लग सके और दोस्तों फ्री काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में आप जान सके। जैसे कि जानते हैं दोस्तों आयुष काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन अभी कई कई स्टेट्स में स्टार्ट हो गई हैं। हम आपको बताएंगे कौन से स्टेट्स हैं। सबसे पहले दोस्तों आप जानते हैं कर्नाटका के दोस्तों रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए, कर्नाटका के आयुष कोर्सेज़ के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो आप दोस्तों कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा देना है आयुष कोर्सेज़ के लिए। उसके साथ साथ आपके एमबीबीएस बीडीएस जैसे कोर्सेज़ के भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रखे हैं। और दोस्तों हम आपको बताएंगे मेघालय स्टेट्स के भी दोस्तों एमबीबीएस बीडीएस और आयुष कोर्सेज़ में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी दोनों के लिए। इसके अलावा आप कर्नाटका हो गया, मेघालय हो गया, गुजरात में भी आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के तहत। तो आप गुजरात से हैं तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, पतंजलि वगैरह, तो वहाँ पे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। गुजरात के कॉलेज बहुत बेहतरीन होता है, अंदर से कैंपस वगैरह बहुत अच्छा होता है। और दोस्तों किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये वीडियो ज़रूर ले देख लीजिएगा जिससे कि आपको बहुत सारा नॉलेज हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे क्योंकि उनके जस्ट क्वालिफाइड नीट मार्क्स हैं। तो दोस्तों उसमें हम बताएंगे आपको कौन सा कैसे कॉलेज सिलेक्शन करना है जिससे कि आपको आगे जाके 5 साल के लिए पछतावा ना करना पड़े। पहले तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट अपडेट होने वाली है, जैसे ही आपका काउंसलिंग की डेट आएंगी हम आपको चैनल पे सबसे पहले वीडियो डाल बना के दे देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके अलावा आपको क्या चेक करना है दोस्तों, आपने कॉलेज में जाके सबसे पहले तो आपने कंपास खुद से विजिट करके देखना है, एक कॉलेज का नहीं दोस्तों 3-4 कॉलेज में जाइए अच्छी तरह से, जो आपके पास पड़ता हो उसी को प्रेफरेंस दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों प्राइवेट कॉलेज की वैसे ही फीस बहुत ज़्यादा होती है, 15-16 लाख तक चल जाती है, ऊपर से आप हॉस्टल भी लोगे दोस्तों 5-6 लाख रुपये का वो भी हो जाएगा। तो मैं दोस्तों आपको बताऊँगा कि वैसा आपको अवॉइड करना है इनकेस आपके पास हो तो। और इसके अलावा दोस्तों आपके को दूर है, आपने दूरी को किसी कॉलेज में जाना है, जैसे कि मैं दोस्तों पर्सनली जब मानता हूँ जैसे हरियाणा के बच्चे धनवंतरी चंडीगढ़ में जाते हैं, उसकी पहले से दोस्तों 3 लाख के करीब कुछ फीस होने वाली है। उसके अलावा उसके हॉस्टल चार्जेस दोस्तों 1 लाख रुपए में चल जाएंगे आपके। फिर दोस्तों कॉलेज ना बीएमएस का कोर्स आपको पड़ जाता है पूरा 20 से 25 लाख रुपए में। तो दोस्तों आपने ऐसा अवॉइड करना है, यहाँ किसी की मोटी पार्टी का तो दोस्तों मैं सीधा सीधा कहूँगा आपने बीएमएस आयुष कोर्सेस में पैसे लगाने की जरूरत नहीं, आप सीधा एमबीबीएस कीजिए। मैं मानता हूँ मिडिल क्लास लोग ही दोस्तों ये आयुष कोर्सेस में ऑप्ट करते हैं, तो जिससे कि उनका पैसा बचे ऐसे हम सजेशन करते हैं। आपने कॉलेज दोस्तों बेशक से छोटा मोटा हो परंतु उसमें इंस्ट्रूमेंट और उनके सीनियर से जाके देख लेना है कि क्या क्या उसमें आगे काम करवाते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ पहले बताऊंगा, आपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये देख लेनी है दोस्तों NCISM की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको देख रखे हैं दोस्तों लिस्ट ऑफ डिनाइड आयुर्वेदिक कॉलेज लिख रखे हैं दोस्तों, जिसका मतलब है कि जो कॉलेज अभी कैंसिल हो गए हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे कॉलेज मिलेंगे दोस्तों आपको प्राइवेट जो आपके कम फीस में आपके एडमिशन लेने दिला देंगे, परंतु दोस्तों उसके बाद आप ज़िंदगी भर परेशान होंगे क्योंकि दोस्तों उस कॉलेज में बहुत महत्वपूर्ण कमी होंगी। ज़्यादातर ऐसा दोस्तों यूपी के कॉलेज के साथ होता है, तो यूपी वाले बच्चे ध्यान से संभल के एडमिशन लीजिएगा। पर्सनली आप पूछ सकते हैं कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा बुरा है, हम आपको कमेंट करके बता देंगे इस चैनल पर, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करवाते हैं। दोस्तों देखो हम अपने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो गलत बात है ना। आपके लिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं जिससे कि आपका फ्यूचर भला हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को स्प्रेड कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके और उनका फ्यूचर ब्राइटर साइड में जा सके। क्योंकि दोस्तों आपका कॉलेज ही डिसाइड करता है आपका आगे फ्यूचर कैसा होगा, क्योंकि आप दोस्तों एक कॉलेज में चल जाएंगे आपके ज़िंदगी के महत्वपूर्ण दोस्तों जवानी के 5.5 साल जाने वाले हैं। तो दोस्तों 5.5 साल कम नहीं होते, मैं तो बहुत ज़्यादा मानता हूँ। उस कॉलेज में आपने चलो 5.5 साल भी बीत गए परंतु आपने कुछ अच्छा सीखा नहीं दोस्तों, आपको पढ़ाई नहीं हो उस लेवल की, तो दोस्तों आपकी फ़ीस तो बर्बाद गई गई, आपकी ज़िंदगी के 5.5 साल भी बर्बाद गए और आपको कुछ नहीं आता। इस केस में दोस्तों आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे नौकरी पाने के लिए, दोस्तों आपको 20,000 रुपये की नौकरी मिलने मुश्किल हो जाएगी, जो कि दोस्तों बी फार्मेसी वाले को 20,000 देते हैं। तो दोस्तों मेडिकल एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपकी स्किल मानी जाती है, आपके पास स्किल नहीं है आपने नॉलेज नहीं गेन की तो दोस्तों आप उसके बिना ब्लैंक पेपर की तरह हैं। तो दोस्तों एडमिशन लेने से पहले ही हम आपको बताना चाहेंगे, आपको कोई भी चाहे कोर्स हो, चाहे वो बी फार्मा हो, चाहे बीएमएस हो, चाहे बीएचएमएस हो, आपको मेडिकल कोर्स में एंट्री ले रहे हो तो मतलब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और दोस्तों बीएमएस में एडमिशन के बाद दोस्तों पास होना बहुत मुश्किल हो जाता है फर्स्ट ईयर में, तो क्योंकि दोस्तों इसमें संस्कृत आती है और काफ़ी सारे बच्चे
मौज मस्ती करने लग जाते हैं। हमारे पर्सनली बैच में काफ़ी सारे 60 का बैच था दोस्तों, 60 ग्रुप में, उसमें से दोस्तों बस मात्र 25 बच्चे ही पास हो पाए थे, सबकी सप्ली आ गई थी। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? वो सिंसियर नहीं थे, पहले साल ऐसे ही घूमने लगे, बातचीत करने लगे, हल्के में ले लिया BMS को कि चलो हो जाएगा, नीट थोड़ी है, आधे से ज़्यादा नीट की प्रिपरेशन करने लग गया अगले साल MBBS के लिए, परंतु दोस्तों कुछ नहीं होना, नीट क्लियर होना, ये BMS के एग्ज़ाम में भी लटक गए। तो आपने ऐसी भूल नहीं करनी है, आपने BMS में एडमिशन ले लिया है या आयुष कोर्सेज में एडमिशन ले लिया, तो आगे की सोच के अभी आयुष कोर्सेज की तरफ ही जाना है। ऐसा नहीं करना कि उसके साथ साथ नीट करते करते दोनों लटिया दुबा दिए आपने नीट करना था दोस्तों, आयुष कोर्सेज में एडमिशन नहीं लीजिए। आपकी जितनी उम्र हो दोस्तों, आपने सोच ही लिया नीट करना है, तो आयुष कोर्सेज में एडमिशन नहीं लीजिएगा, क्यों अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो दोस्तों, आपको पता है नीट नहीं होना। हाँ, इनकेस आपके मल्टीपल ड्रॉप्स हो रखे हैं, मल्टीपल का मतलब ये है 2 से 3 ड्रॉप, यानी कि 7-8 ड्रॉप हो गए हैं, 7-8 में तो आप दोस्तों बुढ़े ही हो जाओगे, 2-3 ड्रॉप हो गए हैं, तो दोस्तों आपने आयुष कोर्सेज में आँख बंद करके एडमिशन ले लेना है, जिससे कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। क्योंकि दोस्तों ड्रॉप मैं बताऊंगा 1 से 2 ही सी ठीक रहते हैं, उससे ज़्यादा तो अच्छे नहीं रहते हैं। होना होता है तो किसी बच्चे का फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाता है, नहीं होना होता दोस्तों 8 अटैम्प्ट में भी नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं इस कॉलेज की लिस्ट में, हम क्यों बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अभी ये लिस्ट अपडेट नहीं हुई है, अभी ये 30/6 को अपडेट हुई है दोस्तों, इसके बाद अभी 30/7 को भी अपडेट होगी, और दोस्तों 30/7 को लास्ट अपडेट आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कम से कम दोस्तों 10 कॉलेज और आ जाएंगे ऐड होने वाले हैं। तो आपकी काउंसलिंग अभी अगस्त के महीने में स्टार्ट हो जाएगी, तो आपने पहले ही काउंसलिंग से पहले ही देख लेना आपने कौन से कॉलेज के नाम भरने हैं। दोस्तों आप पर्सनली विजिट करके आइएगा, मेरे से पूछ सकते हैं, हम एडवाइस दे देंगे बेस्ट से बेस्ट, परंतु दोस्तों पर्सनल प्रेफरेंस को अपने प्रायोरिटी पर रखना। आप जितना प्रोफेशनली विजिट करके आएंगे, उतना ही कैंपस में पूछेंगे, अपने दोस्तों से पूछेंगे, वहाँ पे उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि देख सकते हैं अभी ये 2 कॉलेज तो उत्तर प्रदेश के आ गए हैं, अभी 2-3 और आने बाकी रह रहे हैं। ऐसे कर्नाटका में भी दोस्तों कुछ ऐसे कॉलेज हैं प्राइवेट, दोस्तों बोल तो देते हैं हमारे आपको कम फीस में करवा देंगे, परंतु दोस्तों उसमें ना तो स्टाफ फैसिलिटी अच्छी होती है, बस वो दोस्तों अप्रूव्ड करवा देंगे NCISM की वेबसाइट पर जाके पेपर टीचर्स को लेके दोस्तों, परंतु ऐसा कुछ नहीं होने वाला वहाँ पे, ना तो स्टाफ होने वाला है, ना ही दोस्तों कुछ अदर फैसिलिटी होने वाली है। आपको कैसे चेक करना है दोस्तों किसी का कॉलेज अच्छा है कि नहीं अच्छा है? सीधी सी बात है दोस्तों, जितने ज़्यादा बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उतना ज़्यादा अच्छा कॉलेज है। हम एक रफ आइडिया दे देते हैं दोस्तों, जैसे कि हम हरियाणा का एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि इधर अच्छे सारे आयुर्वेदिक कॉलेज है। ये दोस्तों देख सकते हैं हरियाणा में ऑफिशियली काउंसलिंग होती है इसके AU के हिसाब से, जो कि श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है स्टेट काउंसलिंग। उसमें जैसे हम वेबसाइट ओपन करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ है, 2022 का एग्जांपल लेके आपको बताएंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। हम यूज़ एडमिशन पे जैसे ये क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हर एक स्टेट के काउंसलिंग वेबसाइट पे ये मेंशन की होगी ऐसा डाटा, तो वहाँ पे आपने स्टेट के अनुसार जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आप देख सके पता आपको पता लग जाएगा। यही देख सकते हैं जैसे आप यहाँ पे स्टे वैकेंसी के राउंड के लिए मारेंगे दोस्तों, यहाँ पे कॉलेज के लिस्ट आ जाएगी। तो दोस्तों इस लिस्ट से आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि उनसे कौन से कॉलेज को दोस्तों स्टूडेंट्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उस जो कॉलेज में जाना आपका लिए वर्थ हो सकता है। सीधी सी बात है दोस्तों, जहाँ पे सीट सारी भरी होंगी, मतलब 60 से में है, तो मतलब 40 भी सीट भरी हुई तो दोस्तों मैं उसको ठीक ठाक मानूंगा। क्योंकि दोस्तों आयुष कोर्सेज में एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में बच्चे ऐसे ही कम लेते हैं, क्योंकि इनकी फ़ीस हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, आपको पता है। तो दोस्तों 60 में से 40 बच्चे आ रहे हैं तो मतलब अच्छा रेशो हो जाता है, परंतु अभी दिखाएंगे आपको कौन से कॉलेज में रेशो बढ़िया नहीं बन रहा है, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जैसे कि पहला कॉलेज है दोस्तों, इसमें 60 में से 33 सीट वैकेंट है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ये कॉलेज में बच्चे अवॉइड कर रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ कमी होगी, स्टाफ भी वहाँ पे ध्यान नहीं देता होगा, टेक्निकल इश्यू भी होंगे दोस्तों। इसके अलावा आप देख सकते हैं BDM कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस एंड हॉस्पिटल झज्जर, चुचुकवा झज्जर। दोस्तों सीधी सी बात है, इसमें 100 सीट थी, इसमें से 93 भरी है, मतलब 7 बच्चों ने एडमिशन लिया है। अब उन 7 बच्चों के साथ 5 साल क्या ही होगा वो आप जान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एक बार आपका एडमिशन होने के बाद उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके डॉक्यूमेंट जमा करवा लेते हैं ओरिजिनली। ऐसे काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं भाई ये वाला कॉलेज तो हमें 8.5 लाख में BMS करवा रहा है, और ये वाला दोस्तों 15.5 लाख में करवा रहा है, तो हम कौन से कॉलेज से करिए? आप ये तो देखिए दोस्तों, ना इधर कोई रफ आइडिया माइंड मत कीजिएगा, ना इधर कोई हॉस्पिटल में आ रहा, ना इधर फैसिलिटी है, ना इधर डाइसेक्शन हो रहा है, ऐसे ऐसे कुछ होगा दोस्तों।
और सब कुछ हो रही है तो आपकी मेंटल डेवलपमेंट कहाँ से होगी दोस्तों ज़्यादा, जिसमें सब कुछ होगा ना, तो पैसे ही सब कुछ नहीं होते, तो आपने एक बार अच्छी तरह से विजिट कर लेना है। और दोस्तों ये किस एग्जांपल लिया है हमने, ऐसा नहीं है कि इसी कॉलेज में कुछ नहीं होता दोस्तों, ये भी कॉलेज बढ़िया है, ये भी दोनों कॉलेज बढ़िया है, हमने बस एक एग्जाम्पल के तहत आपको समझाने की कोशिश की है। और दोस्तों काफ़ी सारे कॉलेज को बस कंडीशनल परमिशन ग्रांट होती है, तो वो भी आपने चेक कर लेना है, किसी साल परमिशन आती है किसी साल परमिशन नहीं आती है। दूसरा दोस्तों कुछ कुछ कॉलेज जल्दी अभी लेटेस्ट एस्टेब्लिश होते हैं, जैसे कि इसमें ये BDM वाला है, ये अभी खुला है, जिसके कारण इसमें बच्चे इतनी पॉपुलैरिटी नहीं हुई है, इसलिए इसमें एडमिशन कम आ रहे हैं। आपने सारी प्रोसीजर देख लेने दोस्तों, जितना ज़्यादा हॉस्पिटल पुराना होगा कॉलेज पुराना होगा उसमें ज़्यादा पेशेंट आएंगे और दोस्तों वो बढ़िया फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, ऐसा मेरा मानना है पर्सनली। बाकी आपके दोस्तों जो राय हो कमेंट में आप करके पूछ सकते हैं। जैसे दोस्तों देख सकते हैं आप, बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज जैसे ये श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज मैंने बताया था अपनी वीडियो में, इसकी लास्ट 100 में से दोस्तों बस 4 ही सीट वैकेंट रही हैं। इसका सीधा सा मतलब दोस्तों कहता हूँ, उनको बच्चे नहीं मिले कि बच्चों इसमें अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, 4 सीट खाली रह चुकी हैं लास्ट राउंड के लिए भी। तो दोस्तों आपने श्री धन्वंतरी को प्रायोरिटी पर रखना है, हरियाणा से हो या दिल्ली से हो या चंडीगढ़ से हो, वो कॉलेज मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है, बस फीस थोड़ी उसकी हाई है, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो बेस्ट कॉलेज है, आपको यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपोजर होगा, क्योंकि दोस्तों ये CGHS की अप्रूव्ड है दोस्तों यहाँ पे, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं वहाँ से भी डॉक्टर सीधा अपॉइंट हो सकते हैं, तो बढ़िया है दोस्तों। उसके आगे आपको जॉब्स को जॉब बहुत अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिल सकती है, और वहाँ पे बहुत अच्छा कैंपस है और कॉलेज भी अच्छा है। ऐसे दोस्तों आप देख सकते हैं, इससे एक रफ आइडिया हो जाते हैं इन लिस्ट से कि किस कौन से कॉलेज में बच्चे ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, कितने किस कॉलेज की कम सीट भर बाकी हैं, तो वो कॉलेज अच्छा ही होगा सीधी सी बात है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा भीड़ होगी दोस्तों कॉलेज के मामले में, जहाँ ज़्यादा कंपटीशन हार्ड होगा वो कॉलेज अच्छा ही मिलेगा आपको। जैसे इन केस आप कोई कॉलेज में बिल्कुल आराम से एडमिशन हो रहा है, तो दोस्तों सीधी सी बात है वहाँ पे इतना अच्छा एक्सपोजर नहीं मिलता होगा। ये सारी कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा दोस्तों BMS ऐसा कोर्स है जहाँ पर आपको पढ़ने के साथ साथ क्लिनिक का एक्सपोजर भी लेना पड़ेगा। आप चाहे कितना ही अच्छा पढ़ लीजिए दोस्तों, परंतु दोस्तों आप जब तक पेशेंट के साथ नहीं मिलोगे, उनकी ट्रीटमेंट नहीं करोगे, जब तक आपको इतना एक्सपोजर नहीं होगा। सारे बच्चे क्या करते हैं, 4.5 साल की क्लिनिक अभी एकेडमिक्स पढ़ लेते हैं, बाद में तो उनको हॉस्पिटल में सब ये सब कॉलेज के साथ है दोस्तों, चाहे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में थोड़े कम पेशेंट आते हैं इस कम्पेयर टू अदर, कुछ को छोड़ के। जैसे 4 साल के आप अच्छी तरह से पढ़ लिए दोस्तों, आपने एक भी पेशेंट नहीं देखा है, इसके बाद आपकी इंटर्नशिप होती है दोस्तों, इंटर्नशिप में भी आपके माड़े पेशेंट आते हैं सरकारी और हॉस्पिटल के अंदर, तो उसमें आप इतना एक्सपोजर नहीं कर पाते। तो मैं आपको टिप बताऊंगा, जैसे कि दोस्तों आप अपना मैनेजमेंट भी खुद से कर सकते हैं, BMS के सेकंड ईयर से आप कमा भी सकते हैं दोस्तों, उसमें बहुत बेहतरीन फैसिलिटी होती है। काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं भाई साहब हमारा बजट बहुत कम है हमें क्या करें, तो दोस्तों उनके लिए मैं एक ऐसा बढ़िया से बेस्ट सजेशन दूंगा उन्हें दोस्तों, आपने सेकेंड ईयर से दोस्तों हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेना है। कितना ही रुपये देता हूँ दोस्तों, हमारे इधर एक बच्चे को 7,000 रुपये देते थे, वो वहाँ पे भी एडजस्ट हो गया, 7,000 से बाद में 12,000 कर देते हैं। सॉरी दोस्तों बैकग्राउंड नॉइज़ की तरफ के लिए उसको अवॉइड कीजिएगा। 7,000 से दोस्तों 12,000 रुपये कर देते हैं दोस्तों, उसी के हिसाब से जब जैसे जैसे आप पक्के होते हो दोस्तों, वो आपकी सैलरी और इंक्रीज करते हैं। मतलब मोटा मोटा सीधा सा बात है, कोई बच्चा MD नहीं कर पाता है किसी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, तो दोस्तों वो अभी सेकेंड ईयर से ज्वाइन करता है, तो दोस्तों जैसे जैसे उसको लें हॉस्पिटल में 5 साल हो जाते हैं, उसकी इंटर्नशिप पूरी हो जाती है, तो उसको सीधा सीधा वहाँ पे अपॉइंट कर लिया जाता है 30,000 से 40,000 रुपये के लिए मिनिमम दोस्तों। इसके बाद इतनी आपकी नॉलेज होगी वहाँ पे आपको उस हिसाब से पैसे दे देंगे। प्लेन BMS को दोस्तों मैक्सिमम आज के टाइम के हिसाब से 80,000 तक अपॉइंट कर सकते हैं, और अपने खुद का हॉस्पिटल खोलते हैं तो दोस्तों उसमें कोई लिमिट नहीं रहती है। तो आपने मायूस होकर एडमिशन नहीं लेना है कि हमारा चलो MBBS में नहीं हुआ तो हम BMS कर रहे हैं। BMS अपने आप में बेहतरीन फील्ड है दोस्तों, MBBS तो सारे कर लेते हैं, BMS वाले भी डॉक्टर चाहिए। अब जैसे बीच में डेंटल ज़्यादा बढ़ गए थे, उनकी कमी होगी, अभी कमी नहीं होगी थी, गली गेल सबके डेंटल के हॉस्पिटल खुल गए थे, परंतु पेशेंट कम हो गए, पेशेंट जाते नहीं हैं, ऐसा तो नहीं है ना दोस्तों। आप BMS के डॉक्टर हैं, आप किसी को भी ट्रीट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक होप लेके आपने एडमिशन लेना है, और ये दोस्तों ध्यान रख लीजिएगा, आप 5.5 साल तक अपने डॉक्यूमेंट की कुर्बानी कर देंगे, आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे जब तक आपको प्राइवेट कॉलेज की फीस नहीं भरोगे। तो दोस्तों आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से रखे लगाओ, और उनके दोस्तों स्कैन कॉपी रखे अपने पास। आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो को आपके बारे में को पता लग सके।